नमस्कार, सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ झारखंड का फेमस डिश धुस्का। इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है, ये अरवा चावल है, इसे कच्चा चावल भी बोलते हैं, और आधी कटोरी हम उड़द की दाल लिए हैं और आधी कटोरी हम चना की दाल। ये हमको रात भर हमने भिगो दिया था इसको, अब हम इसको हम पीस लेते हैं। हमको बारीक पीसना है, ये थोड़ा थोड़ा हम जार में डालते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह ये धुला हुआ उड़द की दाल है, छिलका वाला भी आता है लेकिन हमको धुला हुआ उड़द ही चाहिए। अब इसी में हम दो मिर्च डाल देते हैं, मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और 8-10 कलियाँ हम लहसुन डाल देते हैं। इसी में थोड़ा सा हम पानी डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया डिश होता है, इसको खाने में बहुत मज़ा भी आती है, ये फ्लफी फ्लफी होता है। और ये देखिए हम दूसरा भी बैच तैयार कर लेते हैं। ये सारे दाल को डाल देंगे और उसी तरह हमको पीसना है, बस थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए पीस गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसको हम 4 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए 4 घंटा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ ठीक लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें थोड़ा हम पानी डाल देंगे, इसको थोड़ा सा हमको डाइल्यूट करना है। ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब रेडी हो गया है, अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। ये मैंने अजवाइन लिया है, इसको अच्छे से क्रश करके हम डालेंगे, क्योंकि क्रश करने से इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसी में हम काला नमक डाल देंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ये थोड़ी सी हल्दी, और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे, आलू मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए अब बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसको हम मिला लेंगे। और इसी में हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इसलिए हमको डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए थोड़ा सा हींग है, इसको भी हम मिला लेते हैं। अब तैयार हो गया है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। मैंने घी चढ़ा दिया है, इसमें धीरे धीरे हम डालेंगे और हल्का सा फैला देंगे इसी तरह, और थोड़ा सा हम पहले टच नहीं करेंगे, फिर थोड़ी 2 मिनट के बाद हम हल्का सा हिलाने लगेंगे। ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए हल्का हल्का फूलने भी लगा है, इसमें घी डालते जाइए चम्मच से। ये देखिए इसी तरह से अब थोड़ा सा हम पलट दिए हैं, अब अच्छा कलर आने के बाद हम निकाल लेंगे। अभी तो हमको एक और बनाना है, अभी घी ये थोड़ा सा हम साइड में कर देंगे और दूसरा इसी में हम डालेंगे। ये देखिए इसको भी हम एक साइड में डाल देते हैं। थोड़ा सा उसको हल्का सा खिसका देंगे और इसको हम फूलने देंगे, क्योंकि पहला वाला फूल गया है, इसको भी हमको फुलाना है। ये देखिए थोड़ा सा हम घी डालते जाएंगे और ये हल्का फूलता जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी फूल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा ऐसे ही बन रहा है, फ्लफी तो बनेगा ही और सॉफ्ट भी वो रहेगा।
ये देखिए अच्छा कलर आ गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा बना लेते हैं। ये थोड़ा सा हम बड़े साइज में बनाएंगे, पहला वाला थोड़ा छोटा था। ये देखिए हमने डाल दिया है, तो इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे और घी को डालते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हल्का फूलने लगा है। इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए अच्छा कलर आ गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारे दुस्का तैयार हो गया है, अब इसको हम सर्व करते हैं। मैंने दम आलू बनाया है, घर में फरमाइश था कि दम आलू के साथ धुस्का को खाएंगे, इसलिए मैंने दम आलू बनाया है। दम आलू की रेसिपी मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये दम आलू के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। इसमें हम थोड़ा सा सेव डाल देंगे, ये मोटा वाला सेव है। ये देखिए इससे और भी बढ़िया हमारा दम आलू लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारा मस्त नाश्ता तैयार हो गया है, अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट, बढ़िया हमारा धुस्का तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।